हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जून लीट कोड चैलेंज में। सो प्रॉब्लम है मैक्सिमम यूनिट्स ऑन अ ट्रक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। यू आर असाइंड टू पुट सम अमाउंट ऑफ बॉक्सेस इनटू ट्रक। हमें एक ट्रक में बॉक्सेस रखने हैं और हमें एक 2D एरे दिया हुआ है जिसमें हमें हर इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉक्सेस कितने हैं उस टाइप के, उसका नंबर दिया हुआ है, और उस टाइप के एक बॉक्स में हम कितने यूनिट्स डाल सकते हैं वो दिया हुआ है। 1 इंडेक्स पे और 0 इंडेक्स पे टाइप उस टाइप के कितने बॉक्सेस हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, और हमें दिया हुआ है एक ट्रक साइज। ठीक है, ट्रक साइज है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आ सकते हैं उस ट्रक में। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम यूनिट्स हम उस ट्रक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अप्रोच कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। पहला टेस्ट केस डिस्कस करते हैं पहले। तो हम देखते हैं पहले कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले तो ये एक हमें वेक्टर ऑफ लाइक वेक्टर दिया हुआ है, 2D अरे दिया हुआ है, जिसमें जीरो इंडेक्स जो है, जो जीरो इंडेक्स है उस पे हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं एक पर्टिकुलर टाइप के जितने भी बॉक्सेस हैं, और वन इंडेक्स पे इस टाइप के एक बॉक्स में कितने यूनिट्स डल सकते हैं वो हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि मैक्सिमम यूनिट्स क्या हम डाल सकते हैं, और हमें एक ट्रक साइज दिया हुआ है। ट्रक साइज क्या है कि हम ट्रक साइज से ज्यादा बॉक्सेस नहीं डाल सकते हमारे ट्रक में। अगर हमारा ट्रक साइज 4 है तो हम मैक्सिमम 4 बॉक्सेस ही रख सकते हैं ट्रक में। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। अब अगर ध्यान से सोचो तो ये तुम्हें ना कुछ नैपसैक जैसा लगेगा, क्योंकि देखो नैपसैक में हमारे पास क्या होता है, जब हम नैपसैक करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेट दिया होता है और हमें वैल्यू दी होती है, और हमें एक टोटल कैपेसिटी दी होती है ना, और हमें बताना होता है कि कितना मैक्सिमम वैल्यू हम डाल सकते हैं नैपसैक में कि टोटल कैपेसिटी से ज़्यादा इंक्रीज ना हो, मतलब वेट उसमें। तो यहाँ पे भी तो कुछ सिमिलर सा ही काम है। देखो टोटल ट्रक साइज दिया हुआ है हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं और यहाँ पे उसके अंदर के यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ उसके जैसा ही लग रहा है। तो इतना तो हमने देख लिया कि नैपसैक से मिल रहा है। ठीक है, पर अब ये देखते हैं कि किस वाले नैपसैक की वेरिएशन से मिल रहा है। हमारे पास तीन तरह के नैपसैक होते हैं। एक होता है 01 नैपसैक, ठीक है, और एक होता है हमारे पास अनबाउंडेड नैपसैक, अनबाउंडेड, और एक होता है हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक है, अगर पॉज करो वीडियो और सोचो कि ये वाला क्वेश्चन इन तीनों में से किससे मिल रहा है। देखो 01 नैपसैक में क्या करते हैं कि हम या तो आइटम लेते हैं या तो नहीं लेते या तो लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर ले रहे हैं तो पूरी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अनबाउंडेड में क्या होते हैं कि हम कितनी मर्जी वैसी आइटम्स ले सकते हैं, पर इसमें भी या तो हम वो आइटम लेंगे पूरी या नहीं लेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शनल में होता है कि हम एक पर्टिकुलर आइटम के कुछ पार्ट को ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा सूटेबल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखो टोटल ट्रक साइज 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो ये हमारा दिया हुआ है सबसे पहले, तो पहले सबसे पहले पता क्या करेंगे, हमने सॉर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम यूनिट्स। अब देखो हमें यूनिट्स मैक्सिमम चाहिए है ना, तो हम सबसे पहले वही बॉक्सेस उठाएंगे जिसमें ज़्यादा यूनिट्स पड़ी होंगी। खुद ही सोचो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, ये जो बॉक्स है इसमें 3 यूनिट्स होंगी एक बॉक्स में, तो जिस बॉक्स में हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल ट्रक साइज से नीचे रखने हैं, ठीक है, हम क्या प्रेफर करेंगे, हम वही बॉक्स पहले लेना प्रेफर करेंगे जिसमें हम ज़्यादा यूनिट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला जो हमें एरे दिया हुआ है, लिस्ट वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम इस वाली वैल्यू जो यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर लेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी
मैक्सिमम से मिनिमम तक, ठीक है? तो ये ऑलरेडी यहाँ पे तो सॉर्टेड है, ठीक है? तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले हमारा लूप शुरू करेंगे। हम इस पे आएंगे, हम देखेंगे कि हमारा ट्रक साइज अभी 4 है, ठीक है? और यहाँ पे इस वाली टाइप के कितने बॉक्सेस हैं, एक ही बॉक्स है, तो एक बॉक्स तो हम ट्रक में डाल ही सकते हैं। तो अगर हमने एक बॉक्स ट्रक में डाल लिया तो ट्रक की कैपेसिटी क्या, 3 हो गई, अब एक रिड्यूस हो गई, और हमारे जो हमारी वैल्यू है, टोटल वैल्यू वो कितनी बन गई, उसमें क्या एक बॉक्स डाला जिसमें हमारे 3 यूनिट्स आ सकते हैं, तो 1 × 3, ठीक है? तो ये 3 रहेगी, 3 बन गई हमारी वैल्यू। अब हमने आई आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब हम यहाँ वाले इस वाले टाइप ऑफ बॉक्स पे आए। इसमें हमने देखा कि इस टाइप के तो 2 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में 2 यूनिट होंगे, ठीक है? अब 2 बॉक्सेस हैं, क्या ये 2 बॉक्सेस हम ट्रक में डाल सकते हैं? देखो ट्रक की कैपेसिटी 3 है और हमारे को क्या 2 बॉक्सेस डालने, तो हम डाल सकते हैं। तो ये वाले अगर 2 बॉक्सेस डाल दिए ट्रक में, तो ट्रक की कैपेसिटी 1 रहेगी और हमारे टोटल कैपेसिटी, टोटल जो है यूनिट्स कितने बन जाएंगे, 2 बॉक्सेस डाल रहे हैं और एक बॉक्स में कितने यूनिट आ सकते हैं, 2, तो 3, ये बन जाएगा 3 जो पहली हमारे थी यूनिट्स, 2 × 2 = 4, तो ये बन गया हमारा 7, ठीक है? अब उसके बाद हम आ गए अगले बॉक्स पे। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या सीन है कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं पर हमारी ट्रक की कैपेसिटी तो 1 ही है, यानी कि यहाँ पे जितने इस टाइप के बॉक्सेस दिए हैं हमारी ट्रक की कैपेसिटी उससे कम है, ठीक है? मतलब हम ये तीनों के तीनों नहीं ट्रक में डाल सकते, हम कुछ पार्ट डाल सकते हैं इसका, ध्यान से सुनना, कुछ पार्ट डाल सकते हैं, यानी हम इन 3 बॉक्सेस में से सिर्फ एक बॉक्स हम ट्रक में डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रक की कैपेसिटी अभी एक बॉक्स की है, ठीक है? यानी कि इसमें से एक बॉक्स ले लेंगे और एक बॉक्स में कितने यूनिट डालते हैं, 1, तो 7, तो पहले ही था 1 × 1, ये हमारा हो गया 8। तो हमारे मैक्सिमम यूनिट्स जो हम ट्रक में डाल सकते हैं जिसकी कैपेसिटी 4 है वो है 8, तो यहाँ पे आ गया 8। तो अब तुम देखो, अब तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी नैपसैक की वेरिएशन है। हमने 3 पढ़ी थी ना, 0 1, अनबाउंडेड और फ्रैक्शनल, तो यहाँ पे लग रही है फ्रैक्शनल, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखो, हमने यहाँ पे कुछ पार्ट लिया है, हमने तीनों के 3 बॉक्सेस नहीं लिए, हमने एक बॉक्स लिया है, ठीक है? तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। एक दूसरे टेस्ट केस से समझते हैं जो यहाँ दिया हुआ था एल्गोरिदम को। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमें सॉर्ट कर देना है, ठीक है? सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू ये यूनिट्स, क्योंकि हम वही बॉक्सेस पहले लेंगे जिनके यूनिट्स, जिसमें एक बॉक्स में यूनिट ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है यूनिट्स को ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ 10 है, तो यही आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ इस वाले में 9 यूनिट्स डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा, फिर 7 वाला आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ये वाला 5, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल हमारे यूनिट्स कितने आते हैं। इनिशियली टोटल यूनिट्स 0 है, ठीक है? हमारा आई यहाँ से शुरू हुआ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि करंट जितने भी बॉक्सेस हैं इस टाइप के 5 हैं, वो हमारी ट्रक कैपेसिटी से कम है, यानी हम ये सारे बॉक्सेस ट्रक में डाल सकते हैं। तो हमने सारे बॉक्सेस ट्रक में डाल दिए, तो 5 बॉक्सेस डाले तो ट्रक की कैपेसिटी रिड्यूस होगी, 10 − 5 = 5, और हमारे यूनिट्स क्या बन गए, यूनिट्स हमारे बन गए 5 बॉक्सेस डाले और एक बॉक्स में कितने यूनिट आते हैं, 10, तो 5 × 10, तो ये हमारे बन गए यूनिट्स 50, ठीक है? तो ये हमने डाला, और हमने अब क्या किया, अपने आई को आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं, 3, जो हमारी ट्रक की कैपेसिटी से कम है, तो ये सारे बॉक्सेस डाल सकते हैं। तो अगर ये सारे बॉक्सेस डाले तो हमारी कैपेसिटी क्या, यूनिट्स क्या बन जाएंगे, 50 तो पहले थे, प्लस कितने बॉक्सेस डाले, 3, और एक बॉक्स में हम कितने यूनिट डाल सकते हैं, 9, तो ये बन गया कुछ 50 + 27, यानी कि हमारे ये बन गया 77, ठीक है? तो ये टोटल यूनिट्स बन गए 77। तो अब क्या किया, आई को आगे बढ़ाया, इस पे आए,
अब देखो ये वाले बॉक्स में, ये वाले टाइप के कितने बॉक्सेस है? चार, जो हमारे ट्रक साइज से कम है, यानी ये चार भी डाल सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने ट्रक साइज पहले पांच बॉक्सेस ले लिए थे, फिर यहाँ जब तीन लिए थे तो हमें यहाँ रिड्यूस करना था, तो यहाँ पे तीन जब बॉक्सेस ले लिए तो यहाँ ट्रक साइज हो गया टू, ठीक है, 5 - 3 2। अब जब हम यहाँ पे आए तो हमने क्या देखा कि फोर बॉक्सेस हैं, ठीक है, पर हमारी ट्रक की कैपेसिटी सिर्फ टू है, यानी इन चार में से हम सिर्फ दो ले सकते हैं। तो इन चार में से हमने क्या किया, जब जब हमारे करेंट बॉक्सेस हमारी ट्रक कैपेसिटी से ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ट्रक साइज के बॉक्सेस लेते हैं। तो ट्रक साइज के बॉक्सेस कितने हैं, टू इंटू इसके कितनी है यूनिट्स आ सकते हैं, सात, तो 7 × 2 = 14। तो 77 में कितना हमारा 14 ऐड हुआ, और ये हमारा जीरो रह गया क्योंकि हमने दो बॉक्सेस यूज कर लिए, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 91, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा लूप कब खत्म होगा, हमारा लूप दो कंडीशंस में खत्म होगा, या तो हमारा जो आई है वो हमारा लास्ट तक हो गया, यानी आई हमारा तब तक लूप चलेगा जब तक आई हमारा लेस देन जो भी हमें वेक्टर दिया हुआ है ये वाला, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है लूप में कि जब तक हमारी ट्रक साइज ग्रेटर देन जीरो है तब तक लूप चलाओ, जब वो जीरो हो जाए मतलब और कोई बॉक्स हम डाल नहीं सकते तो वहीं ब्रेक कर जाओ। ये दोनों हमारे लूप के कंडीशंस होंगे। तो आई होप कि एल्गोरिदम समझ आ गया, कोड देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो कोड में सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि हम सॉर्ट कर लेंगे, पहले ये वेरिएबल ले लिया टोटल यूनिट्स जो हम रिटर्न कराएंगे, फिर एक आई वेरिएबल ले लिया जो हम हर बॉक्स टाइप पे जाएंगे, ठीक है, और फिर हमने सॉर्ट करा दिया ये बॉक्स टाइप एरे को, कंपेयर फंक्शन डाला। कंपेयर फंक्शन में क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर आर्गुमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि ये एक वेक्टर टाइप का है, और हम क्या भेजेंगे, हम क्या भेजेंगे, देखो यहाँ पर हम एक इसको भेजेंगे कंपेयर फंक्शन में और एक इसको भेजेंगे, ये क्या है वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इन ये दोनों कंपेयर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ये वाला वन इंडेक्स, ठीक है। ये देखो दे आर, ये कंपेयर हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन इंडेक्स, और ग्रेटर देन है क्योंकि हम चाहते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए, यानी अगर तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हो तो तुम ऐसे लिखते हो, पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो हमने ये ऐसे लिखा है, और ये हमें सॉर्ट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप लगाएंगे, हमने देखी थी दो कंडीशंस, ये दो कंडीशंस, ठीक है, जब तक ट्रक साइज ग्रेटर देन जीरो है एंड जब तक हमारा आई जो है वो बॉक्स टाइप के साइज तक से नीचे है। अगर तो हमारे करंट बॉक्सेस जो हैं, ठीक है, वो हमारे ट्रक साइज से कम है, यानी कि जैसे यहाँ था 5 था, जब 5 था वो हमारे ट्रक साइज क्या था, 10, उससे कम था, तो हम पूरे पूरे 5 बॉक्सेस ले सकते हैं। तो हम पूरे पूरे 5 बॉक्सेस लेंगे और उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम टोटल यूनिट्स में ऐड कर देंगे और ट्रक साइज को उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस से रिड्यूस कर देंगे। बट जब यहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा 4 था पर हमारी कैपेसिटी सिर्फ 2 की थी, है ना, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो हमारे ग्रेटर थे साइज से, तब हम जाएंगे एल्स में, ठीक है, तब हम एल्स में जाएंगे और क्या करेंगे, हम कितने ले सकते हैं, हम उतने ही ले सकते हैं बॉक्सेस जितने ट्रक साइज है, और ट्रक साइज में से वो बॉक्सेस माइनस कर देंगे, या तुम ऐसे लिख सकते हो कि ट्रक साइज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो। और टोटल यूनिट्स क्या होंगे, जितने भी बॉक्सेस लिए हैं इनटू जो भी करंट यूनिट्स हैं, जो भी आई पॉइंटर है जिस पे उसके कितने जितने भी करंट यूनिट्स हैं, तो ये हमारे टोटल यूनिट्स में ऐड हो जाएंगे, और हर बार हम आई प्लस प्लस तो करते रहेंगे और लास्ट में टोटल यूनिट्स हम रिटर्न करेंगे। तो बहुत सिंपल था, काइंड ऑफ फ्रैक्शनल नैपसेक जैसा है, ग्रीडी अप्रोच है, और हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि हम सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेस मुझे नहीं लगता हमने सिर्फ वेरिएबल्स ही यूज़ करे हैं, तो स्पेस तो इसकी ओ ऑफ वन ही है, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पेस है। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं।